हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मन ठाकुर एंड वेलकम टू मिशेस फैशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग, वही बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने सिंपल कुर्ती की कटिंग जो है वो कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम सिंपल 2.5 इंच पे मार्क करते हैं गले के लिए, वो कर लेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी बचेगा जहाँ पे तीरा, उसका हम इस तरह से डबल करेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से कट लगा लेंगे मार्किंग के लिए। और इसी पे हम बोट नेक की जो कटिंग है वो करेंगे। ये वाला हमारा इसका जो सेंटर आया है उसमें हमने वहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 इंच पे हमें मार्क करना है, या 4.5 पे यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे हमें उतना ही मार्क करना है जितना ऊपर से हमारा सेंटर से लेके साइड तक है गले की चौड़ाई। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से 2 इंच पे हमें मार्क करना है, 2 इंचेस पे इस तरह से। और इसी पे हमें इसकी शेप देनी है यहाँ से बोट नेक के लिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारी इसमें शेप जो है वो बोट नेक की आ जाती है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमने तीरा लेना है वो 7 या 7.5 इंच लेना है अपने तीरे के अकॉर्डिंग। जो हम डीप गले के हिसाब से 6 या 6.5 लेते हैं तीरा, वो हमें इसमें नहीं लेना है। और बैक साइड के लिए भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे। इसमें आप एक जैसे नेक भी काट सकते हैं, जैसे फ्रंट साइड अगर बोट है तो बैक साइड भी आप बोट की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा राउंड सी शेप देके इसको कट करूँगी बैक साइड को। चौड़ाई इसकी हमें सेम रखनी है फ्रंट वाली साइड की नेक के जितनी, और बाकी इसको शेप थोड़ी अलग दी है हमने। और उसके बाद हम जैसे सिंपल गले की स्ट्रिप लगाते हैं उसी तरह से इसको इस तरह से पट्टी लगा के हमने सिलाई कर दी है। उसके बाद आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप तुप्पाई भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल सिलाई देनी है क्योंकि मैं इस पर लेस लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरह से इस पर लेस लगा लूँगी। आप भी इस तरह से अगर आपके पास कोई लेस है तो उस पर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से एक और सिलाई मैं इस पर लगा दूंगी। इस तरह हमारे पास बोट नेक रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।